नमस्कार साथियों, एक बार फिर से एक नए टॉपिक के साथ। आज का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी व्याकरण विषय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो आगामी प्रतियोगिताओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक देखें, जिससे आपको पता लग सके कौन कौन से क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए मित्रों, पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, परमाणु शब्द में कौन सा समास है? ये आपके ऑप्शन रहेंगे बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। परमाणु शब्द में कौन सा समास है? तो देखिए साथियों, इनमें से ऑप्शन में से कौन सा होगा राइट? परमाणु शब्द में कौन सा समास होगा? आंसर देखिए इसका क्या होगा। राइट आंसर आपका होगा कर्मधारय समास। परमाणु परम है जो अणु, परम है जो अणु, कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन है मित्रों आपके लिए, किस विकल्प में समास विग्रह सही नहीं है? ऑप्शन है ये आपके लिए भर पेट, पेट भर के, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, कुसुमातर, वह जिसके कुसुम के सर नहीं है, वह जिसके कुसुम के सर नहीं है। तो इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन होगा जिसका समास विग्रह सही नहीं है? भर पेट, पेट भर के, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त, कुसुमाकर, वह जिसके कुसुम के सर नहीं है। तो राइट आंसर देखते हैं इसका क्या होगा। राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, कुसुमाकर, वह जिसके कुसुम के सर नहीं है। क्यों होगा? देखो कुसुमाकर, इसका जो समास विग्रह बनेगा वो बनेगा आपका वह जिसके कुसुम के सर हैं, अर्थात कामदेव। और समास कौन सा होगा इसमें? बहुव्रीहि समास। और यहाँ पर वाक्य कौन सा दे रखा है? जो समास विग्रह दे रखा है इसका, वह दे रखा है वह जिसके कुसुम के सर नहीं है। तो ये पूरा समास विग्रह ही गलत है, और इसमें वही पूछा है कौन सा समास विग्रह सही नहीं है। तो राइट आंसर आपका होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तीसरा क्वेश्चन है आपका, आप बीती शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, तत्पुरुष या द्विगु? आप बीती शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या द्विगु समास? राइट आंसर इसका होगा मित्रों तत्पुरुष समास। क्यों होगा? देखिए आप बीती का जो समास विग्रह होगा वो होगा आप पर बीती, आप पर बीती। और पर आपको पता है कौन से कारक की विभक्ति चिन्ह है? ये है आपका अधिकरण, अधिकरण कारक का विभक्ति चिन्ह कौन कौन से होते हैं? मैं और पर। तो समास विग्रह इसका क्या होगा? आप पर बीती, अधिकरण, तत्पुरुष समास। राइट आंसर आपका होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, चौथा क्वेश्चन दे रखा है आपके, किस विकल्प में बहुव्रीहि समास नहीं है? त्रिलोचन, सप्ताह, रमापति, षडानन। ये चार ऑप्शन आपके लिए, त्रिलोचन, सप्ताह, रमापति, षडानन, किस विकल्प में बहुव्रीहि समास नहीं है वो देखना। तो इन तीन ऑप्शनों में मित्रों त्रिलोचन, रमापति, षडानन ये किसी विशेष अर्थ को प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इनमें तो क्या है बहुव्रीहि समास आपका, लेकिन सप्ताह में कौन सा है? सात दिनों का समय है, सप्ताह संख्यावाची शब्द को प्रदर्शित कर रहा है, इसलिए कौन सा होगा इसमें? द्विगु समास होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन, सप्ताह। सात दिनों का समय है, द्विगु समास, सप्ताह है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपके ये रहेगा, वातावरण का विग्रह और समास क्या होगा? यह आपके समास विग्रह दे रखे हैं। देखिए ऑप्शन में, वात का बना ऐसा आवरण है बहुव्रीहि समास, वात का आवरण है तत्पुरुष समास, वात और आवरण है द्वंद्व समास, वातावरण रूपी वात है कर्मधारय समास। तो वातावरण का विग्रह और समास देखिए इनमें से कौन सा होगा? वातावरण का विग्रह। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ही ध्यानपूर्वक आपकी जो आगामी प्रतियोगिताएँ हैं उनको देख करके बनाया गया है कि किस प्रकार के क्वेश्चन उनमें आ सकते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखें प्रत्येक क्वेश्चन को। वातावरण का विग्रह क्या होगा इसका?
राइट आंसर आपका होगा बी ऑप्शन, वात का आवरण। पर मित्रों वात क्या होती है आपकी? वात आपकी होती है हवा या वायु, हवा या वायु। तत्पुरुष समास में उत्तर पद हमेशा क्या होता है? प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, छठा क्वेश्चन आपका ये रहा, मनोज शब्द में कौन सा समास है? मनोज शब्द है उसमें आपको देखना है समास कौन सा है, कर्मधारय, द्वंद समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास। मनोज शब्द में कौन सा समास है? इन ऑप्शनों में से आपको देखना है राइट कौन सा होगा। राइट आंसर आपका होगा बहुव्रीहि समास। क्यों होगा देखे नहीं थे। मनोज मन में जन्म लेने वाला, अर्थात एक अन्य अर्थ की तरफ, एक विशेष अर्थ की तरफ संकेत कर रहा है। मन में जन्म लेने वाला कौन? कामदेव, उसको क्या कहते हैं? मनोज कहते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बहुव्रीहि समास। विशेष अर्थ की जहाँ पर भी बात हो मित्रों, वहाँ पर आपको बिना सोचे बहुव्रीहि समास कर देना है, तभी सही हो पाएगा। कर्मधारय मत कराना उसमें। नेक्स्ट देखो, सातवां क्वेश्चन ये रहा, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? मधुमक्खी, त्रिभुवन, कर्मधारय या पीताम्बर, ये ऑप्शन आपके किस शब्द में तत्पुरुष समास है? तत्पुरुष समास पहचानना इनमें से किस में है। तो राइट आंसर इसका होगा मधुमक्खी। क्यों होगा देखे नहीं थे। मधुमक्खी का जो समासिक विग्रह है वो होगा आपका मधु की मक्खी, मधु की मक्खी। और की क्या है इसमें? कारकों की विभक्ति है, कारकों की विभक्ति चिन्ह है। कौन से कारक का विभक्ति चिन्ह है ये? कि एक होता है आपका संबंध कारक है, संबंध कारक है, उसके विभक्ति चिन्ह आपको पता होगा का के की। तो इसमें कौन सा समास होगा? संबंध तत्पुरुष समास, मधु की मक्खी अर्थात मधुमक्खी। राइट आंसर ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, आठवां क्वेश्चन है, काली मिर्च शब्द में समास है, काली मिर्च शब्द में समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्वंद या बहुव्रीहि। काली मिर्च शब्द है और उसमें आपको देखना है समास कौन सा होगा। राइट आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, काली है जो मिर्च, कर्मधारय। समास विग्रह हो जाएगा इसका, काली है जो मिर्च, काली मिर्च, कर्मधारय समास। नेक्स्ट नौवा क्वेश्चन देखो दोस्तों, क्या दे रखा है। नौवा क्वेश्चन है आपका, हिमतन्या शब्द में कौन सा समास है? हिमतन्या शब्द में अव्ययी भाव, द्विगु समास, द्वंद समास या बहुव्रीहि समास। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे अपन धीरे धीरे, जिससे आराम से क्वेश्चन समझ में भी आ जाए आपको। हिमतन्या, तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका होगा बहुव्रीहि समास। क्यों होगा ये देखो नीचे। हिमतन्या, हिम की तन्या, तन्या होती है दोस्तों पुत्री, हिम की तन्या है जो, अर्थात किसकी तरफ संकेत अंकित हो रहा है? पार्वती की तरफ। एक विशेष अर्थ हिम की तन्या है जो, वह है आपकी पार्वती, और उसको क्या बोला जाता है? हिमतन्या। राइट आंसर आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास, विशेष अर्थ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दसवां, और आज का अंतिम क्वेश्चन, प्राप्त है उद्दक है, उद्दक होता है दोस्तों आपका जल, जिसको समास विग्रह का समास रूप होगा। प्राप्त है उद्दक जिसको समास विग्रह का समास रूप क्या होगा? ये तो आपके दे रखा है समास विग्रह, प्राप्त है उद्दक जिसको, और आपको देखना क्या है? समास रूप। प्राप्त उद्दक, प्राप्त उद्दक, प्राप्त करता या प्राप्त उद्दक। राइट आंसर इनमें से देखो ऑप्शनों में से क्या होगा। राइट आंसर इसका होगा दोस्तों डी ऑप्शन, प्राप्तोदक। क्यों होगा देखो, प्राप्त है उद्दक जल, प्राप्त है उद्दक है, उद्दक कहते हैं जल को, जिसको बहुव्रीहि समास कहा जाता है प्राप्तोदक। प्राप्त है उद्दक जिसको, वह है आपका बहुव्रीहि समास प्राप्तोदक। तो ये थे मित्रों आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको लगातार प्राप्त होते रहें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, अच्छे टॉपिक के साथ। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।